गुड न्यूज आई है, मैं बहुत खुश हूँ। खुश हो? मुझे लगा कि आप इस बात को लेकर खुश नहीं हो, पर यहाँ तो उल्टा ही, आप तो बड़े खुश हो। मैं इसके बारे में अभी सोचना नहीं चाहती, अभी तो मैं सिर्फ इसके बारे में सोचना चाहती। उससे बेहना दे दिया, मुझे लगा था कि खा जाएगा, लेकिन उसने वापस सोच रही हूँ पापा ना स्मार्ट बना देती हूँ। स्मार्ट बना देती? स्मार्ट बॉय पर अलग स्मार्ट फोन ले देती हूँ। तो मुझे कह रहे थे कि स्मार्टफोन चाहिए, स्मार्टफोन चाहिए, स्मार्टफोन खरीद के देंगे तो शायद नाराज की कमी जाए। बता ना, अगर मैं तेरे पापा को स्मार्टफोन गिफ्ट करूँ तो क्या देंगे? ऑलरेडी माफ कर दिया है। लुक एट दिस, आई लव न्यूयॉर्क। मैं इतने दिनों से कह रही थी कि मुझे ब्लू टी शर्ट चाहिए जिसमें लिखा हो आई लव अमेरिका, और वो पहन के मैं कॉल सेंटर जाऊंगी, और देख वो ले आए। देख ये भी है, ठीक है, पापा लगता है ज्यादा नॉटी हो गए, ये तो ना पहनूंगी, मगर ये तो पहन सकती हूँ, ये पहन के दिखाती हूँ। और उन्होंने मुझे माफ कर दिया, मैं बहुत खुश हूँ, पहन के दिखाती हूँ। इससे पहले एक सीन गया है जिसमें मान, आस्था, आदित्य तीनों लोग हमारे घर में आ चुके हैं, और यू नो तो आदित्य जो है वो डिसाइड कर रहा है कि वो कौन से रूम में रहे, तो वो फिगर आउट नहीं कर पा रहा, लेकिन वो जिस रूम में घुस जाता है गलती से वो निमृत का रूम होता है, और यू नो वो अपने यू नो नहाने चला जाता है और कपड़े बाहर निकाल के जाता है कि जब वो नहा के आएगा तो कपड़े चेंज करेगा। तो इतनी देर में मैं और मम्मा अंदर एंटर कर जाते हैं, और बातों बातों में निमृत की नज़र पड़ती है उस टी शर्ट पे, एंड उनको लगता है कि पापा ने उनके लिए ये टी शर्ट रखी है क्योंकि पापा मान गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग प्लस फ़नी सीन है बहुत ज़्यादा, तो वो मम्मी मेरी पहन के आ जाती है वो टी शर्ट, और ऐसे ही घर से यू नो बाहर हॉल में निकल जाती है जहाँ दारजी है। तो अभी वो पूरा सीन अभी शूट करना है, लेकिन आज जो हम शूट कर रहे हैं वो ये है कि वो यू नो ऐसे गलती से आदित्य की टी शर्ट पहन लेती है। इससे पहले जो मेरी मॉम ने कांड किया है कि यू नो हवेली बहुत ही चालाकी से यू नो ऐसा मान ताया जी के ऊपर सारा ब्लेम डाल दिया कि उन्होंने वो हवेली खरीदी है, तो मेरे पापा को पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, तो इसलिए मेरे डैड मेरे यू नो मॉम से बहुत ज़्यादा गुस्सा है। तो ये सीन में उनको लगता है कि पापा मान गए हैं और पापा ने उनको टी शर्ट दिया है, और जबकि ऐसा नहीं होता है, तो इसलिए वो जो खटपट चल रही है मेरे मॉम और डैड के बीच में इससे पहले जो हुआ है, तो यू नो वो सब चल रहा है सीन में। Thank you.